हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रही है सुबह के 9 और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। देखिए, परसों ही मैंने इतने सारे कपड़े धो के यहाँ पे रखी थी। फोल्ड कुछ कुछ कपड़े यहाँ पे फोल्ड है, बाकी का फोल्ड नहीं है। मैंने सोचा था कि धीरे धीरे सब कुछ फोल्ड वगैरह करके अलमारी में मैं सब कुछ रख दूंगी, लेकिन कल तो एक ऐसा हादसा हो गया है, इसीलिए इन सारे चीज़ें जो कि बाहर है, मम्मी ने बोला है कि इनको दोबारा वॉश बिना वॉश करके अलमारी में मत रखो, इसलिए इसको मैंने यहीं पे रख दिया है। जब हमारा 11 दिन का काम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब शांतो शांति होता है ना, कमन होते हैं, तो वो सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद दोबारा इन सारे कपड़ों को धोना है। बेडशीट वगैरह दोनों रूम का, सोफ़ा का कवर, कर्टन, सब कुछ हम लोग को साफ़ करना है। वो सब कुछ करके उसके बाद ही दोबारा सारे कपड़े को मैं अलमारी में रख पाऊँगी। एनीवेज, चलिए, आई होप कि आप लोगों का मॉर्निंग बहुत ज़्यादा गुड है, हमारा तो सिचुएशन आप लोग समझ ही सकते हैं। आज एक मैं चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पौधे में एक भी फूल नहीं आता है, ठीक है, भगवान को एक भी फूल हम लोग चढ़ा नहीं पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो फूल आ जाता है। लेकिन आज देखिए, अभी तो जैसे हम लोग भगवान को पूजा नहीं कर पाएंगे कुछ दिन, तो यहाँ पर पौधों में कितने सारे फूल आए हैं। देखिए, ये वाला पिंक हिबिस्कस जो है, इसमें तो चार चार फूल आए हैं। यहाँ पर एक है, ये दो, वहाँ पर नीचे एक, तीन, और यहाँ पर एक, चार चार पिंक कलर का हिबिस्कस एक ही पौधे में आई है। साथ में यहाँ पे एक ऑरेंज वाला थोका हिबिस्कस जो है, ये भी आई है। यहाँ पे भी जो हमारा रेड कलर का थोका जवा है, इसमें भी दो फूल आई है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इतना तो है ही। और साथ में देखिए, यहाँ पे भी कलियाँ वगैरह मस्त आना स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे फूल भी आएंगे। इसमें भी पिंक हिबिस्कस में तो इतने सारे कलियाँ है ही, ये भी धीरे धीरे खिलेंगे। नयनतारा में इतने सारे फूल आए हैं, मतलब आप समझ सकते हो, जिस दिन हम लोगों को सच में फ्लावर्स की ज़रूरत होती है पूजा करने के लिए, उस टाइम पे एक फ्लावर नहीं मिलता है। और आज तो जैसे पूजा नहीं कर पाएंगे, आज मतलब अभी नेक्स्ट कुछ दिन जब तक श्रातो शांति सब कुछ ना हो जाता है, तब तक तो हम लोग पूजा वूजा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शाम का पूजा, सुबह का पूजा, सब कुछ हमारा अभी स्किप है। तो अभी पौधे में इतना सारा फूल आया है, तो क्या करूँ, पौधे में ही रह जाएगा फूल, और पौधे में ही सूख जाएगा, वहीं पे झड़ जाएगा, क्या कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पूजा तो अभी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो होता है ना, अभी जो ये टाइमिंग है, इसको बंगाली में बोलते हैं अशुच। तो अभी हम लोग अशुच में हैं, इस टाइम पे हम लोग बाहर के किसी के साथ इतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो। पौधे में फूल है, अच्छा भी लग रहा है दिखने में, बैल्कनी थोड़ा सा हरा भरा कलरिंग सा फील हो रहा है हम लोगों को। बैल्कनी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा एटलीस्ट माइंड फ्रेश हो रहा है, नहीं तो फिर दिमाग में तो वही चल रहा है ना कि बड़े पापा नहीं रहे, ये वो, तो थोड़ा सा वो सब कुछ लेके अपसेट तो है ही। लेकिन इसके बीच में भी जब भी हम लोग बैल्कनी में जा रहे हैं, इतने सारे फ्लावर्स देख के सच में दिल को थोड़ी सी शांति मिल रही है। सो आज का तो जैसे कि हमारा रूटीन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल ही है, नॉर्मल हम लोग खाना वाना पकाएंगे, खाएंगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ लंच, देखिए चावल मैंने भिगो दिया है, और कल जो मैं बॉयल दाल बनाई थी ना मूंग का, वही वाला आज भी बनाऊंगी, क्योंकि कल थोड़ा बहुत ये खाने में अच्छा ही लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने मूंग का दाल ड्राई रोस्ट कर लिया है, थोड़ा ज़्यादा करके हरी मिर्ची डाल दिया है, चार हरी मिर्ची, और एक छोटा साइज का टमाटर भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि टमाटर खा सकते हो, तो इससे ना थोड़ा सा वो खट्टापन भी आएगा दाल में, तो अच्छा भी लगेगा, इसलिए एक टमाटर इसमें मैंने डाल दिया है। तो अभी डाल दूँगी पानी, और 2 से 3 सीटी लगा लूँगी तो दाल अच्छे से पक जाएगा। कल इसमें मैंने आलू भी डाली थी ना दाल के साथ ही, आज मैं इसमें आलू नहीं डालूंगी, आलू मैं अलग से बनाऊंगी। तो ये हो गया है, थोड़ी सी नमक डालूंगी और इसको 1 से 2 सीटी लगा लूंगी। सौरभ का नहाना पहले ही हो गया था, और अभी मैं नहा धो के अभी मैं लंच की तैयारी ही कर रही थी। आप लोग शायद 2 दिन से नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा घड़ी था वो दीवार पे और नहीं है। इसका रीज़न ये है कि घड़ी ना बार बार बंद हो रहा था, हम लोग बार बार बैटरी चेंज कर रहे थे, इसके बावजूद भी बंद हो रहा था। तो सौरभ ने बोला कि शायद घड़ी में ही कुछ डिफेक्ट होगा, बैटरी की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसलिए मतलब होता है ना, एक खराब घड़ी, बंद घड़ी घर पे रखना अशुभ माना जाता है, और वैसे भी तो अभी थोड़ा सा टाइमिंग खराब ही चल रहा है। तो सौरभ ने बोला कि इट्स बेटर कि इसको निकाल के रख देते हैं, तो घड़ी को दीवार से उतार के उसने ड्रॉयर के अंदर रख दिया है, ताकि खराब टाइम यानी उल्टा पुल्टा टाइम हम लोगों को देखने के लिए ना मिले। वैसे तो ये शायद सुपरस्टिशन ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग बोलते हैं कि अगर खराब टाइम अगर आप हमेशा दीवार पे घर पे अगर आप देखोगे तो खुद का टाइम भी खराब चलता है, तो इसीलिए इस लॉजिक को मान के ही हमने घड़ी को उतार दिया है। तो दाल के साथ आज मैं यहाँ पे बना रही थी आलू पोस्तो, यानी खसखस पेस्ट बना के आलू, जो कि हम लोग बनाते हैं ना बंगाली में, वो तो सरसों के तेल में बनता है, लेकिन तेल तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है, कलौंजी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और जैसे ही मैंने कढ़ाई में चढ़ाया है, थोड़ी देर आलू भी 2 से 3 मिनट के लिए ही पका है, और चावल भी यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था, चावल भी हाफ बॉयल आ गई थी चावल में, प्रेशर कुकर में मैंने दाल भी चढ़ा दिया है, दाल भी ऑलमोस्ट बॉयल होने का ही था,
और ये देखिए खसखस पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे खसखस हरी मिर्ची सब कुछ रेडी करके रखी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी लाइट चली गई है, देखिए इंडक्शन बंद और सेम टाइम पे गैस भी ख़त्म हो गया है, तो गैस भी मेरा यहाँ पे बंद। ऑब्वियसली लाइट नहीं है तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर भी ऑन नहीं कर पाऊँगी इंडक्शन में, और मिक्सर भी मैं ऑन नहीं कर पाऊँगी लाइट की वजह से, और यहाँ पे दोनों साइड में मेरा खाना बन रहा था, ये भी गैस ख़त्म होने की वजह से दोनों ऐसे ही पड़ा हुआ है। कॉल किया क्या तुमने? क्या क्या बोला? क्या वो आ रहे हैं गैस लेके? अभी आ रहा है, क्योंकि चावल नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा ना, क्योंकि चावल 5-10 मिनट ओके, क्योंकि चावल में हाफ बॉयल आ गया था, अभी अगर अच्छे से बॉयल नहीं होगा तो फिर चावल ख़राब हो जाएगा, आ जाएगा ना पक्का। लेकिन लाइट नहीं है ना, वो कैसे आएगा, क्योंकि लिफ्ट तो बंद है, तो पड़ेगा सीरी से आ जाएगा, या तुम नहीं तो फिर वो आधा सीरी आ जाएगा, तुम आधा सीरी नीचे चले जाना, ठीक है, दोनों मिलके पकड़ के लेके आ जाना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, किसी के लिए भी ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक सिलेंडर लेके आना, इतना हैवी सिलेंडर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब तक लाइट और गैस दोनों ही नहीं आ जाता है तब तक क्या करूँ, बैठ के ही रहना पड़ेगा। तो तब तक मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात शेयर कर लेती हूँ, जो कि अभी तक शेयर नहीं किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैंने हिंट दिया था, और वो दो चीज़ें, एक तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसेंटली मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि पापा का तो क्वार्टरली चेकअप होता है ना, तो उसका दोबारा टाइम हो गया है, तो उन लोगों को तो आना ही है, तो उन लोगों का टिकट वगैरह सब कुछ हो गया था, संडे उन लोगों का टिकट था, यानी कल, आज तो सैटरडे है, मतलब जब आप लोगों को ये ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा तब ऑलरेडी संडे होगा, तो संडे मम्मी पापा का ट्रेन था, तो ट्रेन में उन लोगों का टिकट भी काफ़ी महीने पहले से ही बुक किया हुआ था, कल यानी संडे को वो लोग हमारे यहाँ पे आने वाले थे, और यानी बेंगलोर में, और देखिए ऐसा हादसा एक हो गया है, तो वो लोग भी और नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे श्राद्ध शांति का जो कुछ भी रिचुअल्स होता है ना हमारा, तो वो सब कुछ कंप्लीट करके, और भी कुछ कुछ चीज़ें होते हैं कामन एंड ऑल, तो वो सब कुछ करने के बाद ही वो लोग यहाँ पे आ पाएंगे, तो इसलिए उन लोगों को मजबूरन टिकट भी कैंसिल करना पड़ा, तो अभी तो वो लोग और नहीं आ रहे हैं, शायद आ जाएंगे कुछ ही दिन में, सब कुछ घर पर एक बार सब कुछ सेटल हो जाए, कामन श्राद्ध शांति सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद शायद वो लोग दोबारा आएंगे। एक माइंड बना के रखे थे हम लोग कि मम्मी पापा आएंगे, पापा का चेकअप होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है ना, कि वो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि पापा का एक इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो आप लोग समझ ही सकते हो, जो लोग मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को तो सब कुछ पता ही है स्टार्टिंग से, तो पापा का चेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो रहा है इस वजह से। और जो दूसरी चीज़ थी वो है कल यानी संडे के दिन हमारा कार डिलीवरी होने वाला था, मैं आप लोगों को बोल ही रही थी ना लास्ट कुछ दिन से कि इसी वीक हमारा कार डिलीवरी होगा, तो हाँ हम लोग फाइनली संडे के दिन हम लोग फिक्स किए थे कि इसी दिन कार डिलीवरी लेते हैं, क्योंकि इसी दिन ना भैया भाभी भी आने वाले थे, तो उन लोगों का भी संडे को छुट्टी होती है, भाभी की भी स्कूल छुट्टी होती है, भैया का भी ऑफिस छुट्टी होती है, तो इसलिए हम और हमारा भी छुट्टी होता है, इसलिए हमने म्यूचुअली बातचीत करके संडे का दिन फिक्स किए थे कि उस दिन सब लोग आ पाएंगे, ठीक है, और मम्मी पापा भी आ जाते तो अच्छा ही होता, लेकिन अभी एक ऐसे सिचुएशन आ गया है ना, तो अभी ऑफिस चल रहा है, तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि कार डिलीवरी तो एक शुभ चीज़ होता है ना, कि आपको पूजा प्रॉपर सब कुछ करके कार को रिसीव करना पड़ता है, तो मम्मी पापा ने वही बोला है कि अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, क्योंकि एक ऑसुज में एक शुभ काम करना सही नहीं होता है, मतलब वो संसार में ना कुछ बंगाली में बोलते हैं कि शौंसरा अमंगल है, तो वैसा काइंड ऑफ कुछ होता है, तो इसलिए हम लोगों को हमारा कार डिलीवरी जो है उसका डेट भी पोस्टपोन करना पड़ा, अभी एक बार यहाँ पे कामान श्राद्ध शांति सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग हमारा कार डिलीवरी लेंगे, तो ये दो चीज़ हम लोग को मतलब अभी देखना पड़ा, अब क्या कर सकते, सिचुएशन ही कुछ ऐसा है, कार डिलीवरी तो हम लोग को बाद में भी हो जाएगी, मिल जाएगी, ऐसा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइम पे ऑसुच में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये दो चीज़ आप लोगों से मैं सोची रही थी कि शेयर करूँगी। चलो हमारा कार डिलीवरी तो कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा, पापा का ट्रीटमेंट का थोड़ा सा मतलब वो डिले हो गया, तो उस चीज़ में थोड़ी सी टेंशन है, क्योंकि बोलते ना प्रायोरिटी कम फर्स्ट, तो पापा का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है कोई बात नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मम्मी पापा बहुत ही जल्द आ जाएंगे, तो उस टाइम पे फिर पापा का ट्रीटमेंट होगा, और जैसे सिचुएशन थोड़ा सा ठीक हो जाता है, घर पे सब कुछ काम वाम हो जा खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग हमारा कार भी डिलीवरी लेंगे। तो सौरभ ने शोरूम में फ़ोन करके बोल दिया है कि ऐसा हो गया है, फैमिली में किसी का डेथ हो गया है, तो आप लोग क्या थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, यानी डिलीवरी पोस्टपोन कर सकते हो, तो वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, डेथ सुन के ही उन लोगों ने बोल दिया कि हाँ देखिए ये तो अनसर्टेन मोमेंट है ना, तो इसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं रहता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है तो हम लोग आपका कार्ड जो है उसको हम लोग हमारे शोरूम पे ही हमारी जिम्मेदारी में रखेंगे, आपको डिलीवरी कब लेना है उस हिसाब से हम लोग को पहले बता देना, हम लोग सब कुछ प्रिपेयर करके रखेंगे, तो यही छोटा सा एक बात आप लोगों से शेयर करना था। ये नया गैस नहीं रिफिल कर देते हैं क्या आप लोग पुराने सिलेंडर को? एक्सचेंज होता है तो ये जैसे ये सील्ड नहीं है,
सिल नहीं आया, अभी एक दो एक महीने सिल नहीं आएगा। क्यों? वो चेकिंग होता सिलेंडर से भी अभी ना ऑसुच के टाइम पे बाल कोम नहीं कर पा रही हूँ, क्रीम वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं इस टाइम पे, सिंदूर नहीं लगा पा रहे, तो देखिए थोड़ा थोड़ा सिंदूर जो मेरे मांग में है उसी को मतलब ऐसे ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोम करना, क्रीम लगाना, ऑयल लगाना, हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह, सिंदूर लगाना, मतलब नॉर्मली श्रृंगार जो बोलते हैं वो सब कुछ करना मना होता है। तो बालों का क्या हालत है देखिए दो तीन दिन से बाल हमारा ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, सब लोग कर रहे हैं, मतलब पालन कर रहे हैं इस चीज़ का, तो हम लोगों को भी यहाँ पे करना पड़ेगा। सौरभ का तो फिर भी छोटा छोटा बाल है, चलो उसका तो मैनेज हो जाता है, मेरा बड़ा बाल है ना, तो कितना अजीब सा लग रहा है बाल, और ऊपर से सिंदूर और बिंदी नहीं लगा पा रही हूँ, तो मुँह एकदम कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा चावल बन गया है, चावल का पानी भी यहाँ पे मेरा स्ट्रेन हो गया है, और लाइट अभी तक नहीं आई है, सो इंडक्शन तो चल नहीं पाएगा, तो प्रेशर कुकर को मैंने शिफ्ट कर दिया था गैस में। और देखिए दाल ऑलरेडी हमारा बन गया है, गैस भी मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पे बन रहा है पोस्तो, पोस्तो भी ऑलमोस्ट डन, आलू बॉयल हो ही गया है 90%, थोड़ा सा और दो तीन मिनट बॉयल होगा तो आलू भी बन जाएगा, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है जिस वजह से खसखस अभी तक पेस्ट मैं नहीं कर पाई, और अगर खसखस पेस्ट नहीं कर पाऊंगी तो पोस्तो में मतलब आलू पोस्तो में कैसे बनाऊंगी। एनीवेज कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, हमारा प्राइवेट गैस है, हमारा गवर्नमेंट का गैस नहीं है, इस वजह से प्राइस तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है प्राइवेट गैस में, लेकिन जब भी गैस ख़त्म हो जाता है ना तुरंत ये गैस वाला भैया आके सिलेंडर रिफिल करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका दुकान है हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर, मतलब दो मिनट के डिस्टेंस में ही उनका शॉप है, इसलिए जब भी फ़ोन करते हैं 10-15 मिनट में ही वो ऊपर एकदम सिलेंडर पहुंचा के देके चले जाते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ता है यही। और अब देखिए कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता ही है ना, गवर्नमेंट गैस के लिए फिर एप्लीकेशन दो, फिर गैस आएगा, फिर ऊपर से पता नहीं इनकेस अगर गैस ख़त्म भी हो जाता है डबल सिलेंडर के बिना, फिर प्रॉब्लम होगा, वेट करना पड़ेगा कब सिलेंडर हमारा दोबारा आएगा उस टाइम पे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम दोनों लोग रहते हैं ना तो डबल सिलेंडर की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, इसीलिए सौरभ ने बोला है कि प्राइवेट गैस ही यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। नोएडा में तो जैसे हमारा पाइपलाइन गैस था तो वहाँ पे तो अनलिमिटेड था और सस्ता भी था, इतना महंगा नहीं था वहाँ पे गैस, लेकिन यहाँ पे गैस थोड़ा सा महंगा है और ऊपर से मतलब गवर्नमेंट का थोड़ा सा झिकझिक है, लेकिन प्राइवेट में अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखिए फ़ोन किया 10-15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट में ही एकदम ऊपर पहुंचा के चले गए, लाइट नहीं है, सीढ़ी से चल के भी भैया आए लेकिन ऊपर एकदम सिलेंडर फिट करके फिर वो चले गए। खाना पीना तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चना भिगो दिया है, ये जो ब्राउन चना होता है ना इसी को मैंने भिगो दिया था रात के टाइम पे, सोचा था कि सुबह ब्रेकफास्ट में ये बॉयल करके थोड़ा सा सैलड काइंड ऑफ बना के खाएंगे, टमाटर, हरी मिर्ची, खीरा और थोड़ा सा नमक ये सब कुछ डाल के, लेकिन सुबह के टाइम पर बॉयल करना नहीं हुआ तो ये मैंने रख दिया है, शायद रात को कुछ इससे बना लूँगी इन द सेंस बॉयल करके ही ऑब्वियसली खाना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पे ये रखा हुआ है, क्योंकि खाना पीना जब नहीं होता है ना बॉडी में प्रोटीन वगैरह चाहिए होता है तो उस टाइम पे चना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फाइनली लाइट आ गई है और यहाँ पे मैंने बना लिया है खसखस पेस्ट, अब आलू पोस्तो में डाल दूँगी। तो पोस्तो यहाँ पे ऑलरेडी बन ही गया है, जब नॉर्मल डेज में मैं पोस्तो बनाती हूँ तो ये तो मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, कलौंजी वगैरह डालती हूँ फोड़न में, और फिर एंड में पोस्तो को मतलब निकालने के टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सरसों का तेल ऊपर से स्प्रेड कर देती हूँ तो इसका मस्त टेस्ट आता है, लेकिन अभी तो वो ऑप्शन नहीं है तो इसको ऐसे ही निकाल लेना है और ऐसे ही चावल के साथ खाना है। तो अभी मैं गैस को कर देती हूँ बंद और दिस इज़ रेडी टू सर्व। सो लंच हमारा बन गया है, अभी लंच सर्व कर दूंगी। आज ना मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है, इतना ज़्यादा धूप नहीं है, सुबह के टाइम से ही क्लाउडी क्लाउडी सी है थोड़ी सी, इसीलिए सुबह के टाइम से ही आज मैंने ये वाला चादर जो है ये ओढ़ के रखी थी। सुबह के टाइम पे तो मैं एक स्वेटर भी पहनी थी क्योंकि मेरे गले का हालत थोड़ा सा ख़राब है, सच बोलूँ तो कफिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है, सिरप तो मैं ले रही हूँ कफिंग सिरप और गर्म पानी वगैरह सब कुछ प्रॉपर पी रही हूँ। ये वाला जो हमारा स्टील का फ्लास्क है ना, ये देखिए इतना बड़ा 1 या 1.5 लीटर का फ्लास्क होगा, तो इसमें हम लोग हमेशा पानी फिल करके रख रहे हैं, गर्म पानी जब भी मुझे पीना हो रहा है मैं सिर्फ गर्म पानी ही पी रही हूँ और कुछ भी नहीं पी रही हूँ, इसलिए सौरभ ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आज का वेदर भी ऐसा है तुम चादर या तो फिर स्वेटर हमेशा ओढ़ के रखो और स्पेशली गला को कवर करके रखो, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ ताकि बाहर का हवा जो है वो मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट ना डाले, क्योंकि यहाँ का तो पता ही है ना हमारा इतना बड़ा बड़ा एकदम खुला खुला बैल्कनी है तो हवा आ जाता है। तो चलिए कि खबर बार बो
अच्छा चलिए मैं खाना लगा लेती हूँ। सुबह तो जॉलर बोतल फोड़े ना। सो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि होता है ना जब मन ठीक नहीं रहता है उस टाइम पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सो इट्स बेटर कि ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल दोबारा मिलेंगे और एक नए नए ब्लॉग के साथ। ठीक है, अभी दोपहर को खाना पीना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं, बस रेस्ट ही लूँगी, टीवी वगैरह देखूंगी, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होगा। सौरभ तो अभी चलो काफ़ी खुद को संभाल लिया है कल से, तो आज वो बेटर ही है। टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक भी हो जाता है ना, ठीक होना ही पड़ता है और तो कोई ऑप्शन है नहीं। एनीवेज चलिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।